अवामी सवारी जीप पर भारी होंडा मोटरसाइकिलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, मुल्तान के शहरियों ने नई कीमतें सुनकर सर पकड़ लिए। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदा शकील सुल्तान अपडेट करेंगे। अजीब महंगाई का तूफान है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा। रोजाना की बुनियाद पर किसी न किसी चीज की कीमत में इजाफा देखने को मिलता है। मोटरसाइकिलों की बात करें तो होंडा कंपनी ने मुख्तलिफ बाइक्स की कीमतों में 3000 से 20000 रुपए का इजाफा कर दिया है। इससे पहले भी हर दूसरे माह कीमतों में इजाफा किया जाता है। नई कीमतें सुनकर शहरियों ने सर पकड़ लिया है। अवामी सवारी जो है वो जेब पर भारी पड़ने लगी है। शहरी वो ज्यादा परेशान नजर आते हैं। जानते हैं लोगों से क्या कहना चाहेंगे। मोटरसाइकिल बुनियादी सवारी है, दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। डेली हर 15 डेज बाद रेट करीज हो जाता है। 40000 रुपए की बाइक थी चाइना की 2029 में, अब आप देख लें 1 लाख से ऊपर चले गई। 1,04,000 रुपए का रेट है चाइना का। गरीब बंदे की तो पहुंच से दूर हो गया, मिडिल क्लास बंदा तो बेचारा सोच भी नहीं सकता है। के पास बाइक पहले से मौजूद है वो उसको नेमत समझे, और जिसके पास नहीं है उसकी पहुंच से दूर जा चुकी है। हमारे साथ बुजुर्ग आदमी मौजूद है। अंकल क्या कहना चाहेंगे, महंगाई बहुत ज्यादा होती जा रही है। इनको हिदायत दे हुक्मरानों को हमारे, हम तो यही कह सकते हैं कहाँ महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हर रोज नया बजट होता है इनका। पहले साल में एक दफा बजट आता था, अब हर महीने नया बजट आ जाता है। दालें घी बंदा खाए क्या जहर, इन्होंने अवाम को इन्होंने पागल बनाया है। अवाम जो है हुकूमत पर गुस्सा दिखा रही है कि रोजाना की बुनियाद पर नई कीमतें नए बजट होते हैं। हुकूमत जो है अवाम का एहसास करे, कीमतों को कंट्रोल करे, ये जो सवारी महंगी होती जा रही है उन पर काबू करे, ताकि कंट्रोल करे। शकील सुल्तान बहुत शुक्रिया।